मूवी के स्टार्ट में हम एक गर्ल को देखते हैं जो कि समुद्र में डूब रही होती है और वो बेहोश होती है और जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो सतह पे आने के लिए जबरदस्त संघर्ष करती है। लेकिन तभी मिस्टर ब्रैंडन की आंख खुल जाती है, यानी वो एक ड्रीम देख रहे थे। ब्रैंडन जो कि गवर्नर के बहुत ही खास बंदे हैं और आज उन्हें गवर्नर की डॉटर इवा के साथ एक फ्लाइट पे जाना है और इसीलिए वो वेदर फोरकास्ट देखने लगते हैं जिसमें बताया जा रहा होता है कि आज लॉस एंजलिस का मौसम काफी गर्म है और तूफान आने का सख्त खतरा है, तो आप लोग घर में रहें, बिल्कुल अननेसेसरी घर से बाहर ना निकलें। और यहां पर सीन शिफ्ट होता है और इसके बाद हम इवा के बॉयफ्रेंड जेड और उसके दोस्त काइल को देखते हैं जो कि इवा का एयरपोर्ट पे वेट कर रहे होते हैं। असल में इन्होंने एक ट्रिप प्लान किया है जो कि इवा ने ही इनको बताया है कि कुबा रिसोर्ट जाना चाहते हैं एक फ्लाइट के जरिए जो कि सारा रास्ता समुद्र से होकर गुजरता है। तभी ये लोग बात कर रहे होते हैं कि इवा अभी तक नहीं आई इतनी देर, और तभी इवा वहां पर आ जाती है और साथ उनके ब्रैंडन होता है। तो जेड इवा से कहता है तुम अपने बेबी सीटर को भी साथ लाइयो, ये वहां पे क्या करेगा, हमने तो रिसोर्ट बुक करना है सिर्फ तुम और मैं, तो ब्रैंडन का यहां पे क्या काम है। लेकिन इवा उसे बताती है कि मेरे फादर ब्रैंडन के बगैर मुझे कहीं जाने नहीं देते। ब्रैंडन जो कि काफी अक्लमंद है और उसे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो वो हर खतरे में हर चीज में देख के मुझे बताता है, मेरी हेल्प करता है कि मुझे क्या करना है, तो ब्रैंडन का यहाँ होना लाजमी है, लेकिन वो हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। और यहाँ पर एक और फैमिली भी कोबा रिसोर्ट जा रही है, ग्रैंडपा नाना और उनकी ग्रैंड चाइल्ड रोजा जो उनसे मिलने ब्रिटिश से आई है, और ये लोग छुट्टियां मनाने कोबा जा रहे हैं कि ये सभी लोग प्लेन में चले जाते हैं। इवा की सीट तो फ्रंट पर होती है बिजनेस क्लास में क्योंकि वो गवर्नर की बेटी है, लेकिन फिर भी वो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठना चाहती है, तो पीछे प्लेन के काफी सीट्स खाली हैं, तो वो ब्रैंडन से कह के अपने फ्रेंड्स के साथ जाके बैठ जाती है। इवा को समझ नहीं आ रही कि इस फ्लाइट की इतनी ज्यादा सीट्स खाली क्यों है। आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे एक फ्लाइट अटेंडेंट को देखते हैं जो कि सबको सेफ्टी प्रिकॉशन यानी बेल्ट लगाने का तरीका, ऑक्सीजन मास्क लगाने का तरीका और इमरजेंसी में किस तरह से रिएक्ट करना है ये तरीका ये प्रोसेस समझा रहा होता है। लेकिन काइल उसके हर स्टेप को फॉलो करता है और वो तंज करने लगता है और उसका मजाक उड़ाता है। इवा उसे ऐसा करने से मना करती है लेकिन वो तो काइल है। आखिर वो फ्लाइट अटेंडेंट को बहुत ज्यादा परेशान कर देता है और फिर वो वहां से चला जाता है। लेकिन कुछ ही देर के बाद वो वापस आता है ट्रॉली के साथ जिसमें खाने पीने की चीजें होती हैं, तो इवा और उसके दोस्तों से पूछता है कि क्या कुछ लेंगे, और वो जानबूझ के काइल की पैंट पे बियर गिरा देता है। अब ये सब लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं देखा उसने कैसा अपना बदला लिया, डू यू सी दैट, ऐसे करके खुश होने लगते हैं। इन्हें काफी मजा आ रहा है फ्लाइट में। अब हम देखते हैं रोजा को जो कि अपनी नाना और ग्रैंडपा के साथ बैठी काफी एंजॉय कर रही है, लेकिन वो बाहर विंडो से देख रही है, वो इस प्लेन इसके इंजन और सब चीजों को देख पा रही है। तभी बहुत ज्यादा बर्फ आकर प्लेन के इंजन के साथ टकराते हैं और प्लेन बहुत जोर से वाइब्रेट करने लगता है, लेकिन वो कुछ देर बाद रुक जाता है। और तभी कैप्टन की आवाज आती है, लेडीज एंड जेंटलमैन आपका कैप्टन बोल रहा हूँ, सॉरी फॉर द इंसिडेंट, कुछ परिंदे थे जो प्लेन के इंजन के साथ टकरा गए, तो घबराने की कोई बात नहीं है सब ठीक है। अभी उसकी अनाउंसमेंट खत्म ही होती है और रोजा तो विंडो से बाहर प्लेन के इंजन को देख पा रही है। वो देखती है कि इंजन में थोड़ी सी आग लगी हुई है और वो आहिस्ता आहिस्ता टूटना शुरू कर देता है। वो अपनी नाना और ग्रैंडपा को ये दिखाती है और इतनी देर में इंजन से एक बहुत बड़ा स्टील का टुकड़ा आके प्लेन के साथ लगता है और वो प्लेन को एक साइड से पूरा तोड़ देता है। 20,000 फुट की बुलंदी पर इतनी तेज हवा में इतनी तेज स्पीड के साथ जब ये जगह टूटती है तो प्लेन में बहुत तेज विंड बहने लगती है और सब पैसेंजर्स उड़ना शुरू हो जाते हैं, और जिन्हों को सीट बेल्ट नहीं लगी होती वो उसी समय प्लेन से उड़ के बाहर गिर जाते हैं। प्लेन का मिडल एरिया तो पूरा ही खाली हो चुका है, तकरीबन सब लोग प्लेन से उड़कर बाहर इतनी ऊंचाई से सी यानी समुद्र में गिर जाते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि 10-15 मिनट के बाद समुद्र में गिरने वाले। अभी वो रास्ते में खैर आगे बढ़ते हैं। अब इनके प्लेन में आग लग चुकी है और प्लेन बहुत ही तेजी के साथ जमीन की तरफ बढ़ रहा है और सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे इस वक्त क्या ये हमारा आखिरी वक्त है, और वो प्रे करने लगते हैं। ये समुद्र के साथ जा टकराते हैं और पानी इतनी स्पीड में प्लेन के अंदर आता है कि तमाम सीट्स जो फ्रंट पे हैं वो आपस में जोर से टकराती हैं और आयरन के पीस और दूसरी चीजें उड़कर पैसेंजर्स को लगते हैं जो फ्रंट पे बैठे हैं, और प्लेन के इतने जोर से टकराने की वजह से उसके अंदर एक बबल पैदा हो गई, एयर बबल, जो कि उसकी बैक साइड पे आ जाती है, और इस एयर बबल की वजह से प्लेन बहुत आराम से शांति के साथ आहिस्ता से समुद्र के अंदर डूबता है और वो समुद्र के अंदर कुछ ही मीटर फासले पर एक ढलान पे जाके रुक जाता है। प्लेन की बैक साइड पे एयर ट्रैप हो गई है जहां पर इवा और उसके दोस्त बैठे थे। ये तीनों दोस्त महफूज हैं और जब ये होश में आते हैं तो देखते हैं कि प्लेन सामने से पूरी तरह डूब चुका है और साइडों से विंडोज भी डूबी हुई है, लेकिन प्लेन के इस हिस्से में पानी नहीं है। अभी ये लोग सोच ही रहे होते हैं कि काइल अपना हाथ देखता है जो कि टूटा होता है और वो चीखने लगता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि इवा सोचने लगती है, ब्रैंडन को याद करने लगती है, ये सब लोग सोचने लगते हैं कि क्या हम किसी तरह से बाकी तमाम पैसेंजर्स को बचा सकते हैं जो डूब गए हैं, कोई हल किस तरह से हम उनको बचाएंगे। अभी ये लोग सोच ही रहे होते हैं कि तभी ब्रैंडन रोजा को लेके पानी से बाहर निकलता है और उसके बाद वो रोजा की नाना को लेने के लिए वापस जाता है। डैनियल नाना को सीपीआर देता है, इससे कुछ देर बाद वो होश में आ जाती है। इवा को अब तक काफी सुकून है क्योंकि ब्रैंडन उसके साथ है जो कि समझदार होने के साथ साथ काफी बहादुर है, और ब्रैंडन ने ही प्लेन के फ्रंट हिस्से पर सारे पैसेंजर्स को चेक किया है और उनमें से ये दो ही जिंदा थे, तो वो इन्हें बाहर ले आया है। और ब्रैंडन कुछ ही देर में सबको इस तरह की इमरजेंसी से निपटने के लिए तरीके बताने लगता है। जेट जो कि बहुत तेज सांस ले रहा होता है घबराहट में, तो ब्रैंडन उसे कहता है जेट चिल्ले हो जाओ कुछ नहीं होता है, आयल तुम्हारी सिर्फ हड्डी टूटी है, हड्डी टूटने से कोई नहीं मरता है, तो आप में से कोई भी परेशान नहीं हो, हमें सिर्फ देखना है कि हमने यहाँ से बाहर कैसे निकलना है। पायलट ने प्लेन क्रैश होने से पहले एक आखिरी मैसेज दे दिया होगा और वो हमारी सर्च के लिए आते ही होंगे। तभी जेट कहता है नहीं पायलट तो कह रहा था सब ठीक है, जेट उसे कहता है नहीं प्लेन में एक ब्लैक बॉक्स भी होता है जिससे पता चल जाता है कि प्लेन कहाँ पे, तो हमें देखने आते ही होंगे, हमें सिर्फ यहाँ पर कुछ देर रहना है, और इस बबल में इस एयर बबल में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ कि मैं ऑक्सीजन टैंक नीचे से ले आता हूँ। मैंने ऑक्सीजन टैंक देखा था, तो वो ऑक्सीजन टैंक लेने के लिए वापस मुड़ता है। जैसे ही वो ऑक्सीजन टैंक लेके वापस आ रहा होता है तो प्लेन में बने इस टूटे हुए हिस्से से एक शार्क मछली अंदर एंटर होती है जो कि ब्रैंडन पर अटैक करती है, लेकिन ब्रैंडन किसी तरह से उससे
से बच के ऑक्सीजन टैंक इवा को देने के लिए बाहर आता है। वो पूरी तरह से घायल है और उसके जिस्म से खून निकल रहा है। तो अब वो इवा से लास्ट टाइम कहता है कि मुझे लगता है मेरे बच्चे ये जिंदगी का सबसे मुश्किल हिस्सा तुम्हें मेरे बगैर ही करना होगा। तो तभी शार्क मछली उसको वापस पानी में खींचती है और इस तरह से वो मर जाता है। ये सब सोचने लगते हैं भला शार्क्स प्लेन में क्या कर रही है, शार्क्स का प्लेन में क्या काम, और ये लोग पानी से दूर हटने लगते हैं। ब्रैंडन ने इनको वेट करने के लिए कहा होता है तो अभी सब लोग वेट ही करना चाहते हैं। तो ये सब लोग वेट करने लगते हैं मदद का। नाना जो कि आर्मी में नर्स थी वो काइल के हैंड को फिक्स करती है और तभी हम देखते हैं कि एक हैली इस प्लेन को ढूंढने के लिए वहां पर आ रहा होता है। लेकिन ये प्लेन इतना ज्यादा दूर होता है कि यहां तक पहुंचने तक उसका फ्यूल खत्म हो जाता है। लेकिन वो किसी तरह से इस प्लेन को ढूंढ लेता है और यहां पर दो स्कूबा डाइवर्स समुद्र के अंदर गोता लगाते हैं इस प्लेन को ढूंढने के लिए। और वो काफी देर तक तैरने के बाद मिलाकर इस प्लेन को ढूंढ लेते हैं जो कि समुद्र की सतह से काफी नीचे होता है। अब ये लोग उस प्लेन की तरफ जा रहे हैं। जैसे ही ये लोग उस प्लेन के पास पहुंचते हैं तो प्लेन के अंदर मौजूद लोग इनको देख लेते हैं तो काफी खुश हैं। वो जानते हैं कि अब वो बच जाएंगे और बस अब कुछ ही मिनटों की बात है और उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाएगा। सिंपल, ये तो बहुत आसान काम है। वो खुश हो रहे होते हैं और तभी वो देखते हैं कि एक स्कूबा डाइवर की बैक साइड से एक शार्क आ रही होती है। उसे कहते हैं कि पीछे देखो विंडो की दूसरी तरफ से, ऐसा कहते हैं उसको कि पीछे देखो। लेकिन जैसे ही वो पीछे देखता है तो पीछे शार्क नहीं होती। फिर अचानक से शार्क उसे पकड़ लेती और उसका काम तमाम हो जाता। लेकिन दूसरा स्कूबा डाइवर वो तो प्लेन के टूटे हिस्से से अंदर आया था, वो कहां गया? तभी हमें पता चलता है कि दूसरे वाले को भी शार्क मछली खा गई है। अब इन लोगों को समझ आ गई है कि इनका बचना बहुत मुश्किल है। प्लेन आहिस्ता आहिस्ता से समुद्र के अंदर सिरकता जा रहा है ढलान से नीचे और प्लेन की बॉडी जो कि बहुत कमजोर होती है वो एक सबमरीन की तरह काम नहीं कर सकती। वो भी आहिस्ता आहिस्ता टूटती जा रही है जिसकी वजह से ये एयर बबल छोटा होता जा रहा है और पानी प्लेन के पिछले हिस्से में आना शुरू हो गया है। अब जल्दी इन लोगों को यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचना होगा और वो लोग सोचने लगते हैं कि एक तरीका है जिससे वो यहाँ से बाहर जा सकते हैं। स्कूबा डाइवर का टैंक जो कि प्लेन के अंदर आया था, अगर हम उसका टैंक ले आए तो हम यहाँ से बाहर जा सकते हैं। लेकिन शार्क मछली उसे भगाने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि जो भी शख्स टैंक लेने के लिए जाएगा शार्क तो उसे खा जाएगा। और तभी रोजा कहती है कि मैंने अपने स्कूल में सीखा था बबल्स, एयर बबल्स, शार्क एयर बबल से डरती है तो हमें उसका यूज करना चाहिए। लेकिन सब लोग कहते हैं कि अब हम क्या 8 साल की बच्ची से सीखेंगे कि शार्क को किस तरह भगाना है, तो कोई नहीं जाएगा स्कूबा टैंक लेने। अभी हम कुछ देर और वेट करेंगे और ये लोग फिर दोबारा से वेट करने लगते हैं। लेकिन एवा कहती है कि हमें देखना चाहिए क्या वाकई स्कूबा टैंक प्लेन के अंदर है, तो फिर हम ट्राई कर सकते हैं। अब ये लोग जैसे ही स्कूबा टैंक देखने लगते हैं तो जेट अचानक पानी के अंदर गिर जाता है। शार्क यहाँ पे आती है और जेट का एक पैर खा जाती है। ये लोग किसी तरह से जेट को पानी से बाहर निकालते हैं और उसके उस पैर पे बेल्ट बांध देते हैं जिससे उसका खून ज्यादा ना निकले और प्लेन दोबारा से बड़ी स्पीड में ढलान की तरफ गिरने लगता है। अब ये लोग परेशान है, एयर बबल और ज्यादा छोटा हो रहा है और ऑक्सीजन की कमी हो रही है। अब जल्दी इन लोगों को कुछ करना चाहिए। तभी एवा कहती है कि मैं उस कंपार्टमेंट में जाऊँ जहाँ पर जान बचाने का सामान पड़ा होता है। तो एवा बड़ी बहादुरी से उस कंपार्टमेंट में जंप कर देती है। काफी दूर आगे जाने के बाद सर्च करने के बाद उसे स्कूबा टैंक तो नहीं मिलता, लेकिन उसे मिलती है लाइफ जैकेट और सूट। लेकिन जैसे ही वो उसे लेके वापस पलटती है तो उस पर कोई चीज हमला कर देती है। ये होती है एक स्टारफिश। लेकिन किसी तरह से जान बचा के एवा बिल्कुल सही सलामत वापस आ जाती है और अब इनके पास सामान है तैराकी का, लेकिन ये सिर्फ 4 लोगों के लिए ही है। और ये लोग सोचने लगते हैं कि हम में से कौन सा शख्स है जो यहाँ से इतना बड़ा गैप पानी का क्रॉस करके ऊपर नहीं जा सकता, या वो इस पानी को क्रॉस करते करते पानी की सतह तक जाते जाते मर सकता है, तो हम उसे पीछे ही छोड़ दें। लेकिन इतनी देर में ये देखते हैं कि जेट तो अचानक से पहले ही मर जाता है खून निकलने की वजह से। एवा काफी रोती है और उसे सीपीआर देने की कोशिश करती है, लेकिन वो तो खून बह जाने की वजह से मरा है, वो तो जिंदा नहीं हो सकता है। अब ये सभी लोग तैराकी का सामान पहन लेते हैं और ये लोग किसी तरह से तैर कर बाहर आना चाहते हैं। इन्हें सिर्फ इतना करना है कि इन्हें तैर कर पहले स्कूबा टैंक तक जाना है और फिर उस टैंक को लेके लाइफ जैकेट का बटन पुश करना है जिससे उसमें एयर भर जाएगी और फिर ये अपने आप पानी से बाहर आ जाएंगे। और शार्क फिश को भगाने के लिए ये यूज करेंगे बबल्स का, क्योंकि जिस जगह पर भी इनको शार्क फिश नजर आएगी ये वहां पर एयर बबल्स छोड़ देंगे उसी लाइफ जैकेट का बटन पुश करके। तो ये लोग ऐसे ही करते हैं, ये पानी में आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन नाना जो कि काफी बूढ़ी है वो बिल्कुल हिम्मत हार चुकी है, वो बिल्कुल पानी के अंदर डुबकी लगाना नहीं चाहती। पर कायल वो भी आगे बढ़ता है लेकिन वो डरपोक फिर से वापस आ जाता है और इतनी देर में हम देखते हैं कि शार्क फिश उसे पकड़ लेती है। लेकिन डैनियल, एवा और रोजा किसी तरह से स्कूबा टैंक तक पहुंच जाते हैं और एवा डैनियल को स्कूबा टैंक पहना देती है और बड़ी ही फुर्ती के साथ तेजी के साथ डैनियल और रोजा लाइफ जैकेट का बटन प्रेस करते हैं जिससे उसमें एयर भर जाती है और ये लोग समुद्र से पानी से बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन एवा जैसे ही आगे बढ़ती है उस हॉल में से बाहर निकलने के लिए तो सामने से एक शार्क फिश उसकी तरफ आती है, लेकिन इस बार वो एवा को कुछ नहीं कहती, उसका ध्यान तो पीछे मौजूद उस ब्लड की तरफ है। वो फिश उस तरफ चली जाती है, एवा फिर दोबारा से बाहर निकलने लगी है तो एक और फिश अंदर एंटर होती है और प्लेन बहुत ही तेजी के साथ इस ढलान से नीचे गिरने लगता है। अब एवा जो कि बहुत तेजी के साथ समुद्र की गहराइयों की तरफ जा रही है, उसे प्लेन के नीचे वाले एज से होके बाहर आना है, वो बड़ी मुश्किल के साथ उस तरफ जाती है और उस एज से टर्न करके बाहर निकलती है और लाइफ जैकेट का बटन प्रेस करती है। जैकेट में एयर तो भर जाती है लेकिन प्लेन के इतने स्पीड में नीचे जाने की वजह से पानी भी उसके पीछे नीचे जा रहा है, तो एवा इतनी स्पीड में पानी की सतह पर नहीं आ पाती और हम देखते हैं कि वो सतह पर पहुंचने के लिए संघर्ष करने लगी है और कुछ देर के बाद वो संघर्ष करना रुक जाती है और हर चीज बिल्कुल शांत हो जाती है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से वो इस एयर जैकेट में मौजूद एयर की वजह से सतह पर आ जाती है और फिर वो अचानक से सांस लेने लगती है और सतह पर आने के बाद वो यहाँ पर रोजा और डैनियल को ढूंढने लगती है और तभी यहाँ पर उसे एक हेली दिखाई देता है जो कि उसे रेस्क्यू कर लेता है। जब एवा हेली में पहुंचती है तो उसे पता लगता है कि रोजा और डैनियल पहले से वहां पर मौजूद है, यानी वो भी बच चुके हैं। और हेली का पायलट पूछता है कि क्या कोई और सर्वाइवर है नीचे, तो एवा उसे बताती है कि नहीं सब मारे जा चुके हैं।
कुछ को शार्क खा गई, कुछ एक्सीडेंट में मर गए, और कुछ में इतना हौसला नहीं था कि वो ऊपर आ सके। तो हम तीनों के अलावा इस वक्त कोई सर्वाइवर नहीं। और अब हम देखते हैं कि हेली इन तीनों को रेस्क्यू करने के बाद यहाँ से जाने लगता है, और इसी के साथ ही हमारी मूवी की स्टोरी यहाँ पर खत्म हो जाती है।